हेलो भाई साहब, उठिए। हेलो उठिए। 3 बार हम इनको टैप करेंगे। CPR स्टार्ट करने के लिए पेशेंट के चेस्ट पे हम अपना हैंड रखते हैं, चेस्ट के बीचों बीच, छाती के बीचों बीच हम अपना हाथ रखते हैं। ऐसे अनलॉक करके, फिंगर लॉक करके हम इस चेस्ट पे हाथ रखते हैं और हैंड स्ट्रेट रखेंगे और 30:2 रेशियो से हम CPR स्टार्ट करेंगे। 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट होने चाहिए चेस्ट को, ये CPR में। तो फिर हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। अप टू 2 इंच नीचे गहराई होना चाहिए जिसकी वजह से चेस्ट अच्छे से कंप्रेस हो सके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हेड टिल्ट करके, चिन लिफ्ट करके हम उसको माउथ टू माउथ नमस्कार। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं। नमस्कार दर्शकों, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्डियक अरेस्ट से या फिर हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए सभी के लिए CPR देना बहुत ही ज़रूरी है। क्या पता हम CPR जानने से, अगर हम CPR जानेंगे तो हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो आज सबसे पहले तो हम सर से ये जानेंगे कि CPR होता क्या है और साथ ही CPR कैसे दिया जाता है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजीत प्रधान। आपको बता दें कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के जाने माने कार्डिक सर्जन हैं और साथ ही बिहार के पहले कार्डिक सर्जन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि CPR क्या होता है। CPR सी मतलब कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन को कहते हैं। जब भी पेशेंट को हार्ट अरेस्ट करता है तो खून सारे शरीर में नहीं जाता है। अगर कहीं और खून अगर 10-20-15 मिनट में नहीं जाए तो उससे कोई बहुत मैंने लाइफ थ्रेटनिंग डैमेज नहीं होता है, होता तो है ही, लेकिन अगर ब्रेन को आधे 3 मिनट से ज़्यादा, 4 मिनट से ज़्यादा अगर खून नहीं गया तो ब्रेन डेड हो जाता है, क्योंकि ब्रेन कैन नॉट टॉलरेट कि बिना ऑक्सीजन के वह रह सके उतना देर। तो CPR इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम पहले तुरंत CPR स्टार्ट कर दें तो हार्ट का जो काम है पंप करना, वो हम आर्टिफिशियली ऊपर से पंप करके हम इतना पंप करें कि हार्ट से जो निकल कर धमनी जो जा रही है ब्रेन को, वो खून ले जाए। लेकिन फिर वो खून तो फिर ऑक्सीजन, मैंने फेफड़ा भी तो बंद है ना, तो ऑक्सीजन वाला खून जाए, इसलिए एक आदमी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे मसाज करने के अलावे। तो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा सकते हैं ब्रेन को, ताकि जब तक कि हम लोग एडवांस्ड कार्डिक हेल्प करें तब तक ब्रेन नहीं डेड हो जाए। आपको बताऊँ मैं, ये 10 दिन पहले की बात है, हम लोग ने तो जब कैंप करते हैं गांव में जा करके, तो हम लोग ने गांव में भी जा करके आम गांव वाले लोग को CPR सिखाया है। उसी में से एक आज 10 दिन पहले की बात है, एक बंदा आया अपनी वाइफ के साथ, अपने मदर इन लॉ को लेकर के, और उसने कहा कि देखिए इनको हम लोग CPR करके आपके यहाँ ले आए हैं। और फिर मैं, खैर हम लोग ने स्पेशलाइज ट्रीटमेंट किया, वो घर चली गई। तो हमको जब थैंक्स कर रहा था तो हम, क्योंकि मुझसे थैंक्स करना ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा है कि तुम अगर CPR, वो 15 मिनट वाइफ और हस्बैंड नॉट डॉक्टर्स, घर पर CPR करके उसको रिवाइव करके मेरे यहाँ ले आए। तो CPR हर आदमी को जानना चाहिए, डॉक्टर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कहाँ बेहोश हो जाए, किसको कड़न साठ घर पर सडन कार्डिक अरेस्ट हो जाए, आप एम्बुलेंस बुला रहे हैं, गाड़ी बुला रहे हैं, ले जा रहे हैं, पेशेंट को CPR स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ आप कोई भी आदमी सीख सकता है, इतना आसान है कि कोई भी आदमी सीख सकता है। हम अभी आप हमारे हॉस्पिटल की सिस्टर है, नर्स है, वो आपको डेमोंस्ट्रेट करेंगी। और उसके बावजूद अगर आपको किसी और को इसके बारे में जानना होगा तो YouTube में भी बहुत सा चीज़ है। आप लोग हॉस्पिटल में भी इत्मीनान से पहुंच सकते हैं कि सर आपको वीडियो देखे थे, हमको CPR सीखना है, आपको इत्मीनान से हम सिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पेशेंट है, यहाँ पे एक आदमी है जो पहले से या तो गिरा हुआ है या फिर मेरे सामने गिर गया है, तो अचानक से बेहोश होने की वजह हो सकती है कार्डियक अरेस्ट या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट अचानक से बेहोश हो गया है, गिर गया है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम वहाँ पे हैं, हमने देखा, तो फिर सबसे पहले हम तीन बातें जानेंगे, असेसमेंट, कॉल फॉर हेल्प एंड देन ट्रीटमेंट। तो असेसमेंट में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पेशेंट ठीक है, होश में है, नहीं है, उसका पल्स चल रहा है या नहीं, वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम CABT टेक्निक की सहायता से हम लोग चेक करेंगे पेशेंट को। तो पहले उसका हम कॉन्सियसनेस चेक करेंगे। कॉन्सियसनेस चेक करने के लिए पेशेंट का शोल्डर है, ये पेशेंट का हेड है,
ये सोल्जर है, ये लेग है, तो सोल्जर पे पहले टैप करेंगे, हेलो भाई साहब उठिए, हेलो उठिए, तीन बार हम इनको टैप करेंगे। अगर इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया हो तो फिर देन हम इनका ब्रीदिंग चेक करेंगे। ब्रीदिंग चेक करने के लिए हम चेस्ट को देख रहे हैं, चेस्ट एक्सपेंड कर रहा है, उठ रहा है नहीं उठ रहा है या नहीं। अगर नहीं उठ रहा है, हम उसका ब्रीदिंग चेक करने के लिए नाक के पास दो उंगली लेकर जाएंगे और कान से कान पास में लेकर जाएंगे, सुनेंगे और फील करेंगे कि एयर पास हो रहा है नाक के थ्रू या नहीं। अगर नहीं एयर पास हो रहा है, नहीं कुछ सुनाई दे रहा है, देन हम उसका पल्स चेक करेंगे। पल्स चेक करने के लिए कॉमनली हम कैरोटिड पल्स का यूज़ करते हैं। कैरोटिड पल्स जो होता है हमारे नेक के पास में, ये जो वॉइस बॉक्स है, यहाँ से दो उंगली पीछे यहाँ पे कैरोटिड पल्स है, जो हमारे से जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो फिर यहाँ पे हम फील करेंगे अप टू 10 सेकेंड्स, फील हो रहा है या नहीं। अगर पल्स फील नहीं हो रहा है तो फिर हम हेल्प के लिए किसी को बुलाएंगे। वो एक फ्लैट सरफेस पे सुपाइन पोजीशन में सुलाएंगे, सीधे हेड ऊपर करके सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को सबसे पहले एक फ्लैट सरफेस पर सुलाते हैं। और सीपीआर स्टार्ट करने से पहले अगर सीपीआर डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट को अगर हमने देखा इसको गिरते हुए तो उसको हम विटनेस अरेस्ट बोलते हैं। विटनेस अरेस्ट में सबसे पहले हम सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। एक साइकिल करने के बाद हम फिर टीम को बुलाते हैं, हेल्प के लिए किसी को बुलाते हैं। और अगर पहले से वो गिरा हुआ है तो हम किसी को पहले हेल्प के लिए बुलाएंगे, फिर देन हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे। सीपीआर स्टार्ट करने के लिए पेशेंट के चेस्ट पे हम अपना हैंड रखते हैं, चेस्ट के बीचों बीच, छाती के बीचों बीच हम अपना हाथ रखते हैं, ऐसे अनलॉक करके, फिंगर लॉक करके हम इस चेस्ट पे हाथ रखते हैं और हैंड स्ट्रेट रखेंगे और 30:2 रेशियो से हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे। 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट होने चाहिए चेस्ट को ये सीपीआर में। तो फिर हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे अप टू 2 इंच नीचे गहराई होना चाहिए जिसकी वजह से चेस्ट अच्छे से कंप्रेस हो सके। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सीपीआर देने के बाद अगर हम अकेले हैं तो खुद से ही पेशेंट को ब्रीदिंग भी देंगे और अगर मेरे साथ में कोई और है तो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं ब्रीदिंग देने के लिए। ब्रीदिंग देने के लिए पेशेंट का जो हेड है उसको हम हेड टिल्ट करेंगे और चिन को लिफ्ट करेंगे, चिन को अप करेंगे और हेड को नीचे करेंगे ताकि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग अच्छे से दे सके। तो हेड टिल्ट करके, चिन लिफ्ट करके हम उसको माउथ टू माउथ करके हम उसको दो बार ब्रीदिंग देंगे और फिर से चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये हमको 4 to 5 साइकिल्स तक करनी है, 4 to 5 टाइम्स करना है, मतलब 1 साइकिल कंप्लीट करना है। और 1 साइकिल कंप्लीट करने के बाद हम फिर से पेशेंट का कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। अगर फील हो रहा है तो फिर ठीक है और अगर नहीं हो रहा है तो फिर से हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, तब तक जब तक कि हमारी कोई सीपीआर टीम या फिर एईडी टीम हेल्प करने के लिए नहीं आ जाती है। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सीपीआर कैसे देते हैं। अगर हम भी सीपीआर देना सीख ले तो कहीं ना कहीं हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों कि ये जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।